नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित पचरुखिया राजा बांध एवं धोबी झगड़ा पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने दो प्रेशर आईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। जानकारी देते हुए SDPO सदर 2 अमित कुमार ने बताया कि CRPF 205 कोबरा बटालियन और मदनपुर थाना की पुलिस के साथ देव थाना की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान दो प्रेशर आईडी बरामद की गई, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। आइए आगे सुनते हैं SDPO सदर 2 अमित कुमार ने क्या बताया है। नक्सलियों के गतिविधि पे लगातार अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया औरंगाबाद के निर्देशन में लगातार जो है अभियान जो है नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। खास करके वो इलेक्शन के दौरान जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें हम लोग बहुत अधिक संख्या में IED जो है नक्सलियों के द्वारा जो बिछाया गया है उसको बरामद करके वहीं पर विनष्ट करने में सफल हो पाए थे। ये अभियान इलेक्शन के उपरांत भी पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा जो FOB है पंचरुखिया, उनके CRPF कोबरा 205 बटालियन के जो हमारे AC साहब हैं उनके नेतृत्व में और देव थाना और मदनपुर थाना के सहयोग से हम लोग फिर से 7 तारीख को एक IED बरामद कर पाए हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर पंचरुखिया FOB से है, लगभग 5:30 बजे के आसपास। और दूसरा IED वो 6 KG का है, उसको भी पंचरुखिया के राजबंध, जो राजबंध जगह है जो पंचरुखिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे, उसको 8 बजे। तो इस तरीके से दो IED एक ही दिन में हम लोग बरामद कर पाते हैं और इसको वहीं पर विनष्ट करके ताकि लोगों को जान माल की किसी को क्षति ना हो सके करके समाप्त किया गया। और इस तरीके से ये अभियान आगे भी फिर से जारी रहेगा। जल्द ही हम और जो नक्सली विरोधी अभियान जितना भी चल रहा है उसके बारे में और जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।